नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भारत में सभी जातियों के इतिहास से जुड़े हुए तथ्यों को प्रकाशित करते हैं एवं भारत के सभी शास्त्रों से संबंधित लिखी हुई चीज़ों को जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसकी व्याख्या करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अपने इस चैनल पर, आज का हमारा जो विषय है यह है 84 लाख योनियों की यात्रा। दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कभी ना कभी बचपन में या किसी और के मुंह से कि ये मत करना, नहीं तो आपके अगले जन्म में ये होगा। तो दोस्तों, मैं आपको आप जानकर एकदम चौंक जाएंगे कि जो 84 लाख योनियों की यात्रा का जो विवरण दिया गया हमारे शास्त्रों में, वो हमारे जन्म से पहले की यात्रा है। और हमारे समाज में व्याप्त जो भ्रांति है, वो लोग सोचते हैं कि हम मरने के बाद 84 लाख योनियों की यात्रा करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक्चुअली इस पृथ्वी पर 84 लाख टाइप के जीव पाए जाते हैं, ऐसा भारत के शास्त्र कहते हैं। तो दोस्तों, इसको जब विश्लेषित किया गया पुराने प्राचीन विज्ञान में, तो उन्होंने बताया कि इतने टाइप के जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। और दोस्तों, जब 1853 में अर्नेस्ट और हेकल ने जीव विकास यानी कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन में रिसर्च करना शुरू किया, तो उनको पता चला कि जब मनुष्य अपने गर्भ में होता है तो वो अपने पूर्वजों के जीवन की पुनरावृत्ति करता है। अब इसका मतलब ये होता है मेरे दोस्तों कि इस पृथ्वी पर जब से जीवों की उत्पत्ति हुई, तो प्रोटोजोआ से उत्पत्ति हुई और उसके बाद प्रोटोजोआ, पोरिफोरा, सीलेंटेटा, नॉन कार्डेट मतलब स्कैरमेंटीज, ये सब सीरीज नीचे आई, फिर कार्डेटा बने। कार्डेट्स में हम सब आते हैं, जो इंसान है वो कार्डेट्स हैं, जिनके रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन जीवों को कार्डेट कहा जाता है। तो दोस्तों, जब इंसान अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो वो जब पहले दिन से लेके और 9वें महीने जब तक वो गर्भ से बाहर नहीं आता, यानी कि उसका जन्म नहीं हो जाता है, तब तक वो 84 लाख स्टेप्स में विभाजित होता है और उसका विकास होता है दोस्तों। तो इस कॉन्सेप्ट को हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियों की यात्रा बताई गई और बताया गया कि मनुष्य यानी कि मनुष्य बनने के लिए, इस शरीर को बनने के लिए, ये गर्भ में 84 लाख स्टेप्स में डिवाइड होता है। और इस बात की पुष्टि 1853 में अर्नेस्ट और हेकल ने, जो वैज्ञानिक हैं नए जमाने के, जो जीव विज्ञानी हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि हाँ, गर्भ में 84 लाख स्टेप्स में, यानी कि उन्होंने कहा कि मनुष्य या कोई भी जीव अपने गर्भ में अपने पूर्वजों के जीवन की पुनरावृत्ति करता है। यानी कि हम जब गर्भ में होते हैं तो पहले एक बूंद की तरह होते हैं, फिर उससे बड़े कीड़े जैसे हो जाते हैं, फिर हमारे मतलब ये एक अलग विषय है, मैं इसको किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस तरह से जीव का विभाजन होता है और हम मनुष्य योनि में आकर के हमारा जन्म होता है। तो दोस्तों, आप जानिए कि 84 लाख स्टेप्स को बताया गया, और ये बताया क्योंकि आप मेरे कुछ दोस्त इसी पे भी सवाल ठोक देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई भी भ्रांति हो मन में हमारे शास्त्रों को लेकर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आप तक सही जानकारी पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, जो ये यात्रा बताई गई, वो ये बताया गया कि बताया क्यों गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको बताने की। पहले भी चिकित्सा विज्ञान भारत में था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद के विषय में, आयुर्वेद यानी आयुर्वेद में सर्जरी भी आती है, जो फादर ऑफ सर्जरी इस युग के हैं वो सुश्रुत को माना गया, यानी कि भारत का जो पहले भी चिकित्सा विज्ञान था वो काफ़ी एडवांस था। तो पहले जब गर्भिणी कोई पेशेंट आती थी, प्रेग्नेंट लेडी, तो उसको डायग्नोज किया जाता था और देखा जाता था कि, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय गर्भ की क्या स्थिति है, उसको दवा देने के लिए हमको उसकी गर्भ की योनि पता करनी पड़ती थी कि इस समय ये किस स्टेज में है दोस्तों। तो ये थी 84 लाख योनियों की यात्रा जो हमारे शास्त्रों में बताई गई। और दोस्तों, एक बात बताता चलूँ, कुछ लोगों ने ये भ्रांति फैला रखी है बहुत सालों से राजनीतिक कारणों से कि छुआछूत के लिए ही वजह से शिव मंदिरों में लोगों को, शूद्रों को घुसने नहीं दिया जाता था, ऐसा सब बताया जाता है। इसका बहुत ही प्रोपोगंडा, बहुत ही प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन दोस्तों सही बात यह है कि भारत इतना विकसित होने के बावजूद भी उस जमाने में, जो कि आप देखिए कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पर थी, तहसीला यहाँ पर थी, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, फिर भी उस जमाने में दोस्तों, आज भी ना तो कोई पुराना अस्पताल का भवन मिलता है और ना ही खुदाई में कोई बिल्डिंग। तो इस चीज़ को अगर आप सोचें तो आपको पता चलेगा कि उस जमाने में स्वास्थ्य संबंधी सभी क्रियाकलाप भी मंदिरों में ही हुआ करते थे। तो दोस्तों, आज आप ध्यान दीजिए कि कभी भी MBBS अपने ऑपरेशन थिएटर में किसी को चप्पल जूता पहनकर अलाउ नहीं करता है।
तो क्या आज के 10 साल बाद या 50 साल 150 साल बाद हम ये भ्रांति फैलाना समाज में शुरू कर दें कि वो छुआछूत की भावना रखता है? आप देखिए, इतना ही नहीं, अगर आप कंप्यूटर का बहुत बड़ा लैब है तो वहाँ पे भी चप्पल जूते पहनकर अलाउ नहीं किया सकते, क्योंकि सिस्टम करप्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पुराने मंदिर भी अस्पताल भी होती थी, सारे औषधियों का निर्माण, पानी का उबालना, दोस्तों आज की तरह पानी भी सुलभ नहीं हुआ करता था। तो उस समय जो व्यक्ति मंदिरों में रहता था वो थोड़ा कट्टर होता था, क्योंकि उसको समाज की चिंता रहती थी, उसको सभी का जीवन सुरक्षित रखना था। इस वजह से वहाँ चप्पल ना पहन के या कम सैनिटाइजेशन का जो स्टैंडर्ड था उन लोगों को अंदर घुसने से मना किया जाता था, भले ही वो किसी भी योनि या किसी कुल में पैदा हुआ रहा हो। जब ये पूर्व वैदिक काल की बात मैं कर रहा हूँ, उसके बाद हमारे संविधान, मतलब वैदिक संविधान जो चलता था, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। और वो परिवर्तन क्यों हुए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी कुछ चर्चा के साथ आज मैं आपसे फिर विदा लेता हूँ। मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार बस आज आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।